हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू मैथ्स. सो कम ऑन चैप्टर 9. चैप्टर 9 इज फ्रैक्शन. यू ऑलरेडी हैव लर्न अबाउट इट. फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जब आप किसी पैटर्न को या किसी फिगर को उसके पार्ट्स करते हैं, तो आप इन पार्ट्स को जिस तरह से लिखते हैं वो फ्रैक्शन होता है. लाइक लुक एट हियर, ये फिगर है, आपने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? 1/2, मतलब आपने एक के, मतलब एक जो पार्ट है उसके, उसको 2 में कन्वर्ट कर दिया है. मतलब आपने एक फिगर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो आप इसे लिखेंगे 1/2. इसी तरह से अगर आप एक 1 फिगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लाइक, तो आप लिखेंगे 1/3. तो स्टूडेंट्स, ये जो 1/2 है, 1/3 है, ये जो 2/3 है, ये सब फ्रैक्शंस होते हैं. नाउ लुक एट हेयर, आप देख रहे हैं इधर फिगर बना हुआ है. इस फिगर में जो 5 जो बॉक्स हैं वो तो शेड है, और 1 जो है वो रिमेनिंग है. तो आप इसका फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शंस में हम इस तरह से लिखते हैं कि जितने पार्ट्स हमारे शेडेड हैं वो तो हम ऊपर लिखते हैं. लाइक इसमें 5 पार्ट्स जो शेड थे उसको हमने 5 ऊपर लिख दिया, और टोटल जितने पार्ट्स होते हैं इसके, इसके टोटल पार्ट्स है 6, तो आपने 6 नीचे राइट कर दिया. अगर आपको इसका फ्रैक्शनल नंबर लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे? 5/6. इसी तरह से अगर आपने नेक्स्ट जो फिगर है इसमें 4 पार्ट शेड हैं और टोटल पार्ट्स इसके हैं 7, तो इसका फ्रैक्शन हो गया 4/7, यानी 4/7. सो स्टूडेंट, समझ आया आपको फ्रैक्शंस क्या होते हैं? नाउ कम ऑन एक्सरसाइज. लुक एट हियर एक्सरसाइज 29. यह आपको एक्सरसाइज बुक में ही फिल करनी है. सो आप इसे कैसे करेंगे? आप सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड करेंगे. शेड विथ अ पेंसिल 1/2 और 1/2 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. मतलब आपको यहाँ जो फॉलोइंग, ये जो फिगर्स दे रखे हैं, इसमें आपको 1/2 का मतलब है, यानी कि जो पार्ट है इसके 2 पार्ट्स किए हुए हैं, तो आपको ओनली 1 पार्ट को शेड करना है. लाइक दिस, जैसे यहाँ पे इसके हमने 2 पार्ट्स किए थे, तो आपको ओनली 1 पार्ट को इसे शेड करना है. समझ आया आपको? तो ये सारे आपको इसी तरह से शेड करने हैं. नाउ कम ऑन क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 है, शेड विथ अ पेंसिल 1/3 और 1/3 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर. यहाँ आपको 3 पार्ट्स दे रखे हैं, आपको ओनली 1 पार्ट को ही से शेड करना है. तो आप 1 पार्ट, तो इसमें तीनों में से कोई सा भी एक पार्ट आप शेड कर सकते हैं. लाइक दिस, इसी तरह से यहाँ पे शेड विथ अ पेंसिल 3/4. 3/4 का मतलब है आपको यहाँ पे जो 4 पार्ट्स हैं इनमें से सिर्फ आपको 3 में ही शेड करना है. लाइक दिस, जैसे मैंने 1 पार्ट ये शेड किया है, सेकंड मैंने ये कर दिया, थर्ड मैंने ये कर दिया, तो ये हो गया 3/4. तो इस तरह से आपको कोई से भी 3 जो पार्ट्स हैं उनमें शेड करना है. 2/5 का मीन्स है यहाँ पे आपको ओनली 2 पार्ट्स को ही शेड करना है. सो इस तरह से आप क्वेश्चन रीड करते जाएंगे और इन्हें शेड करते जाएंगे. नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5. शेड अ पार्ट ऑफ ईच होल टू रिप्रेजेंट द गिवन फ्रैक्शंस. यहाँ आपको फ्रैक्शंस गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको इन्हें शेड करना है. यहाँ 1/6 है, इसका मतलब आपको ओनली यहाँ पे 1 पार्ट ही शेड करना है. 3/8 है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 3 पार्ट्स को, कोई से भी जो आपका मन हो, कोई से भी आप 3 पार्ट्स को शेड कर सकते हैं. 9/16 में आप कोई से भी 9 पार्ट्स को शेड कर सकते हैं. इस तरह से ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं सेम इसी तरह से कंप्लीट होंगे. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर राइट द फ्रैक्शन शोइंग द अनशेडेड पार्ट. यहाँ आपको अनशेडेड पार्ट, मतलब जिनमें शेड नहीं हो रहा है, उनका फ्रैक्शन राइट करना है. आप देख रहे हैं, आप काउंट करेंगे कितने पार्ट्स में शेड नहीं है. तो 1, 2, 3, 4. तो यहाँ पे 4 पार्ट में शेड नहीं है, तो आपको जो जिस पार्ट में शेड नहीं है वो आपको राइट करना है ऊपर. और टोटल पार्ट्स इसके कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो आपको यहाँ नीचे राइट करना है 8. तो इसका फ्रैक्शन हो गया 4/8. तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस आपको बुक में ही फिल करने हैं. इसमें आपको अनशेड वाले काउंट करने हैं. नाउ राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन नंबर 1 हैज डन फॉर यू. यहाँ आपको फ्रैक्शनल नंबर जो हैं वो गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपको फ्रैक्शन राइट करने हैं. लाइक 2/5, तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है? 2/5. 3/8, तो 3/8 का आपको क्या लिखना है? 3/8. इस तरह से अगर 5/11 है तो आप क्या लिखेंगे? 5/11. तो ये आपको बुक में ही फिल करना है.
सेम पैटर्न ये है कि अब आपको फ्रैक्शन दे रखा है और आपको इसको फ्रैक्शनल नंबर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 7, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 3 7s, 7 10, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 7 10s। अब यहाँ पे 9 13 है, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, 9 13s। तो इस तरह से आपको ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ये बुक में ही कंप्लीट करने हैं। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 30। राइट द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। यहाँ आपको फ्रैक्शन दे रखा है, आपको बस इतना बताना है कि इसमें न्यूमिनेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, जो न्यूमिनेटर होता है वो हमेशा ऊपर वाला होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे वाला होता है। तो ये हम वर्कशीट में करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये आपको इस तरह से राइट करना है कि न्यूमिनेटर आपका 2 है और डिनोमिनेटर आपका 5 है। नाउ 7 upon 16, तो इसमें न्यूमिनेटर है 7 और डिनोमिनेटर है 16। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फ्रैक्शन इन विच। अब आपको यहाँ पे फ्रैक्शन राइट करना है। फ्रैक्शन का मतलब है कि आपको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दे रखा है, गिवन है, आपको इसे इस तरह से राइट करना है, फ्रैक्शंस में राइट करना है। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर तो है 7 और डिनोमिनेटर है 9, तो इसका जो फ्रैक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, 7 upon 9। तो इस तरह से आपको ये राइट करने हैं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। इन 12 upon 13, द इज 13। यहाँ पे जो 13 है वो क्या है, अब आपको ये तो पता ही है कि जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। तो यहाँ पे 13 क्या हो गया, डिनोमिनेटर। इन 15 upon 22, द न्यूमिनेटर इज, अब यहाँ न्यूमिनेटर क्या है, 15। इन 11 upon 19, द 11 इज 11, तो 11 तो क्या है, न्यूमिनेटर। तो यहाँ आपको न्यूमिनेटर फिल करना है और यहाँ आपको डिनोमिनेटर फिल करना है। इन 17 upon 28, द डिनोमिनेटर इज, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है, 28, तो यहाँ आपको 28 फिल करना है। लुक एट हियर, इस तरह से आपको इन्हें फिल करना है। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज 31। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। यहाँ आपको जो फ्रैक्शंस गिवन है इन्हें आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इन्हें नंबर लाइन पे आपको बताना है। सो कम इन वर्कशीट। स्टूडेंट्स लुक एट हियर, जैसे आपको 1/3 जो है इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस लाइन के जो लास्ट पॉइंट है उसको एक्स और वाई आप पॉइंट करेंगे, यानी नेम देंगे। अब उसमें आप एक पार्ट जो है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है, अब आपको ऐसे ही सभी लाइंस में सेलेक्ट करना है। एक पार्ट को सेलेक्ट कर लिया मैंने, अब आपको इसे 1/3, यानी आपको इसे इस एक पार्ट को 3 में डिवाइड करना है। लाइक मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, ये 1 पोर्शन हो गया, ये 2nd पोर्शन हो गया, ये 3rd पोर्शन हो गया। तो इसका मतलब आपको 1/3 बताना है। तो ये जो पोर्शन हो गया आपका, ये क्या हो गया, 1/3। समझ आया स्टूडेंट्स आपको। इसी तरह से 7/9 करना है। x और y आप लास्ट में लिखेंगे। अब इस लाइन को आपको 9 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि आपके नीचे जो लिखा होता है उसी में ही आपको इन्हें डिवाइड करना होता है। यहाँ 3 लिखा हुआ था इसलिए मैंने यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। यहाँ 9 लिखा हुआ है तो आपको इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक 9 में डिवाइड करना है। सो जैसे ये वाला पोर्शन हो गया आपका, ये 1 पार्ट हो गया, ये 2nd 3rd 4th, ये 5th, देन 6th, देन 7th, देन 8th, देन 9th। तो यहाँ तक ये 9 तक में मैंने इसे डिवाइड कर दिया है, 9 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दिया है। अब आपको 7/9 बताना है, तो आपका 7 कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो दिस इज 7/9। तो इस तरह से जो फ्रैक्शंस है वो नंबर लाइंस पे आप रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने वर्कशीट में ओनली 2 एग्जांपल्स ही लिए हैं। इस क्वेश्चंस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इनके घर पे प्रैक्टिस करेंगे। नाउ ये हमारा सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये आपको बुक में ही फिल करना है। इन ईच ऑफ द नंबर लाइन गिवन ब्लो, OA इज द लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 1 यूनिट। राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय OB। यहाँ जो OA है वो 1 यूनिट है और जो OB है आपको उसका फ्रैक्शन बताना है कि OB जो है वो कहाँ है। सब आप अब आप देखेंगे कि जो O से A तक जो पार्ट है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 पार्ट में डिवाइड है। तो आपको जो डिनोमिनेटर होगा वो तो होगा 7। आप देखेंगे कि B की पोजीशन कहाँ है, तो B की पोजीशन है 1 2 3 4,
तो ये 4 पे है, तो मतलब आपका जो फ्रैक्शन बनेगा वो होगा 4/7। 4 तो आप बी वाली पोजीशन देखेंगे कि बी कहाँ है, और जो टोटल कितने पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है आपको वो नीचे राइट करना है, वो आपका डिनोमिनेटर होगा, यानी ओ बी जो होगा वो आपका 4/7 होगा। नाउ लुक एट हेयर, अब आप यहाँ देखेंगे कि ओ ए कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पे जो ओ ए है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो नीचे आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो 8 होगा। और आप देखेंगे कि बी की पोजीशन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, तो बी की जो पोजीशन है वो 5 है, तो यहाँ पे ये हो गया 5/8। सेम पैटर्न ये है, आपको यहाँ पे भी यही देखना है ओ ए कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो आपका डिनोमिनेटर हो गया 5। और जो बी की पोजीशन है वो है 3 पे, सो आपको यहाँ लिखना है 3/5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये सारे एग्जांपल आपको बुक में फिल करने हैं। नाउ एक्सरसाइज 32, राइट द नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, मतलब इसके बाद अब क्या आएगा, मतलब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो इसी के जैसे सेम हो। आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट्स, आप देखेंगे यहाँ 1, 2, 3 ये आ रहा है, तो अब 1, 2, 3, तो इसके बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ 4, देन 5, देन 6, देन 7। और नीचे आप देख रहे हैं कि 5 की टेबल चल रही है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15। सो आपके जो नेक्स्ट 4 होंगे वो आप इस तरह से राइट कर सकते हैं कि 1, 2, 3 के बाद आ गया आपका 4, देन 5, देन 6, देन 7। और 5 की टेबल आपको कंटिन्यू करनी है, 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 4 = 20, 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 × 7 = 35। तो दिस इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये 1/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए सब। अब आपको इसी तरह से इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये 2 की टेबल होगी और ये 7 की टेबल होगी, तो इस तरह से आपको ऊपर तो 2 की टेबल कंटिन्यू करनी है और नीचे 7 की टेबल कंटिन्यू करनी है। यहाँ आप देखेंगे कि ये 4 की टेबल है, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, इसके आगे आएगा 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 7 = 28। और नीचे आप देख रहे हैं कि 5 की टेबल कंटिन्यू होगी। राइट टू फोर फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनके आपको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं 1/4 के, और कौन कौन से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है तो ये हम वर्कशीट में करेंगे। नाउ कम इन वर्कशीट, लुक एट हियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको 1/4 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है तो आप किस तरह से इसे करेंगे। 1/4 आप यहाँ पे साइड में लिख देंगे। अब जो 1/4 है इसको आपको ऊपर नीचे एक बार 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई करना है, एक बार 4 से करना है, एक बार 5 से करना है, क्योंकि हमें 4 इक्विवेलेंट 4 फ्रैक्शंस चाहिए थे, इसलिए हमारे 1, 2, 3, 4 4 फ्रैक्शंस हो गए हैं। अगर यहाँ 5 होता तो हम आगे 6 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आप कितने भी फ्रैक्शंस इसके निकाल सकते हैं। अब यहाँ जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, जब आपको 2 से 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 2, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन 8, तो इसका आ जाएगा 2/8। इस तरह से यहाँ पे हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 4 × 3 = 12, तो नीचे आ जाएगा आपका 12। यहाँ आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है, 4 × 1 = 4, और 4 × 4 = 16, यहाँ 5 × 5, और 5 × 4 = 20। तो इस तरह से आप इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सेम पैटर्न इसी तरह से इसमें भी कंटिन्यू होगा। 6/7 के आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने हैं, तो आपको 6/7 को पहले एक बार ऊपर नीचे 2 से करना है, फिर 3 से मल्टीप्लाई करना है, देन फिर 4 से, देन 5 से, और फिर इन्हें मल्टीप्लाई कर करके आपको इस तरह से राइट करना है, लाइक 6 × 2 = 12, और 7 × 2 = 14, 6 × 3 = 18, एंड 7 × 3 = 21। स्टूडेंट आप इसमें एक बात नोटिस करेंगे कि जब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं तो ये देखिए किस तरह से पैटर्न बन जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20। सेम पैटर्न इसमें भी बन रहा है। यहाँ जब हम इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसकी टेबल ही बन जाती है, 6 × 6, 6 × 2 = 12, 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30, और नीचे आप देख रहे हैं कि 7 की टेबल जो है वो बनी हुई है। नाउ फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स, फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स ये हम पहले बुक में करते हैं।
लुक एट हेयर फाइंड द मिसिंग न्यूमरल्स। स्टूडेंट्स यहाँ आपको थोड़ा सोचना है कि यहाँ पे क्या आएगा। एक ब्लैंक आपको गिवन है, आपको ये देखना है और समझना है कि यहाँ पे क्या आ सकता है। जो आपको गिवन है पहले आप उसे देखिए। यहाँ 3/4 है और 4 के सामने 16 लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे कि 4 की टेबल में 16 जो है वो कितने टाइम में आता है। तो आप जानते हैं कि 4 4 16 होता है, मतलब यहाँ पे आपने जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया देन यहाँ पे 16 आया। तो यहाँ आपको ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब जिससे आप नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से आपको सेम ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो 3 4 12, तो यहाँ आपके जो मिसिंग है इसमें आ गया 12। इस तरह से सेम है 4/5 और यहाँ पे 30, मतलब आपने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया कि आपका जो आंसर है वो 30 आ गया। अब आप जानते हैं कि 5 6 30 होता है, मतलब जब आप 5 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट 30। तो आपको 4 को भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो 4 6 24। सो स्टूडेंट समझ आया आपको, इस तरह से आपको ये फाइंड द न्यूमरल्स फिल करने हैं। ये मैंने वर्कशीट में भी लिए हैं और आपको बुक में भी पूरे फिल करने हैं ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एक वन मोर एग्जांपल इसका हम और समझेंगे। यहाँ पे है 36, यहाँ है 45, तो इसने इसको अपोजिट साइड कर दिया है, मतलब जो आपका इधर लिखा हुआ था ये इसने इधर लिख दिया है। तो मतलब आपको इधर वाला आइडेंटिफाई करना है यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ 45 है और यहाँ 5 है, मतलब इसने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया होगा कि 45 आता है। तो आप जानते हैं कि 5 की टेबल में जो 45 है वो 9 10s में आता है, मतलब 5 9 45। तो इस तरह से आप ऊपर ऐसा कुछ लिखेंगे कि जिसको हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है। तो आप जानते हैं कि 4 की टेबल में 9 times में 36 आता है। तो इस तरह से आपको ये फिल करने हैं। यहाँ पे भी नीचे सेम पैटर्न है, तो ये दोनों क्वेश्चंस सेम पैटर्न से ही होंगे। ये हमने वर्कशीट में लिए हैं, सो आपको ये सारे क्वेश्चंस वर्कशीट में मिल जाएंगे। आपको वर्कशीट में देखकर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। नाउ कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9 विथ न्यूमिनेटर 30। कम इन वर्कशीट। ओके लुक एट हियर। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/9, मतलब आपका इस साइड में तो आपको राइट करना है 5/9। अब जो आपका क्वेश्चन है वो है कि न्यूमिनेटर जो है वो 30 है, तो आपको न्यूमिनेटर तो 30 लिखना है और नीचे वाला अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि नीचे क्या आएगा। तो आप ये देख रहे हैं कि 5 के टेबल में जो 30 है वो 6 times में आता है, 5 6 30। तो इस तरह से आपको 9 6 क्या होता है 54, तो यहाँ पे 54 राइट करना है। अब यहाँ आपको डिनोमिनेटर दे रखा है 72, तो आपको यहाँ 5/9 के साथ जो डिनोमिनेटर है वो 72 लिखना है। अब आपको ये देखना है कि 9 की टेबल में 72 जो है वो कितने टाइम्स में आता है। आप जानते हैं 8 times में आता है, तो उसका मतलब आपको 5 को भी 8 times मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या करना है 40। सेम पैटर्न ये भी है, इसमें आपको 48/72 ये इधर राइट करना है और यहाँ आपको न्यूमिनेटर दे रखा है 2, तो इस 2 के अकॉर्डिंग अब आपको डिनोमिनेटर निकालना है नीचे नीचे क्या आएगा। यहाँ आप 2 से इसको डिवाइड करते हैं 48 को, तो आपके पास क्या आएगा 24। सो स्टूडेंट जब आपने 2 से 48 को डिवाइड किया देन आपके पास आया 24। अब आपको वो जो 24 है उससे 72 को डिवाइड करना है कि 24 से 72 कितने टाइम्स में डिवाइड होता है। तो आप देखेंगे कि वो 3 times में डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर आएगा 3। वन मोर एग्जांपल, यहाँ आपको डिनोमिनेटर 9 जो है वो गिवन है और साइड में आपको 48 और 72 दे रखा है। अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है। अब आप देखेंगे कि 9 की टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है, 8 times में। तो इसका अकॉर्डिंग इसके मतलब कि आपको ऊपर एक ऐसी टेबल देखनी है जिसके 8 times में 48 आता हो। तो आप देखेंगे कि वो 6 की टेबल है जिसके 8 times में 48 आता है। स्टूडेंट्स ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये हार्ड लगे, ये वाला जो पैटर्न जो मैंने बताया अगर वो हार्ड लग रहा है तो आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं। लुक एट हियर, 2/ जो भी आपको निकालना है वो व्हाटएवर वो आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर देंगे एंड 48/72, दिस इज योर दिस क्वेश्चन 2/3 and 72। यहाँ आपको वैल्यू निकालनी। अब आप क्या करेंगे, 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया देन आपके पास आंसर आया 144, और 48 को जब आपने इस क्वेश्चन मार्क से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका एज इट इज़।
यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। सो आपका जो 48 है वो इसके जो अदर साइड है उसके डाउन में चला जाएगा। लाइक 72 को जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया देन यू विल गेट 144, और जब 48 जो है वो इधर आया देन ये इसके डिवीजन में चला जाएगा। और जब आप 48 से 144 को डिवाइड करते हैं देन यू विल गेट 3, तो आपका जो आंसर आएगा वो होगा 3। सो इसलिए आपको यहाँ पर फिल करना है 3। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 का दोनों का पैटर्न सेम ही है, सो ये आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, मतलब आपको यहाँ पे वो फ्रैक्शन बताने हैं कि कौन कौन से जो फ्रैक्शन है वो इक्विवेलेंट है, यानी समान है। सो लुक एट हियर, 6/10 and 9/15, आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 10 को आपको मल्टीप्लाई करना है 9 से और 15 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से। 6 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 90, और 10 को 9 से मल्टीप्लाई किया देन यू विल गेट 90। आप देख रहे हैं कि जो दोनों हैं वो सेम ही है, तो बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल, मतलब जो दोनों प्रोडक्ट्स जो दोनों मल्टीप्लाई आपने किए हैं वो इक्वल हैं, सो दे आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। नाउ लुक एट वन मोर एग्जांपल, 3/4 and 21/24, यहाँ पे भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं इस तरफ, जब आप 3 को 24 से मल्टीप्लाई करते हैं देन आपके पास आता है 72, इधर आ रहा है 84। बोथ प्रोडक्ट्स आर अनइक्वल, आप देख रहे हैं कि दोनों ही इक्वल नहीं है, सो ये अनइक्वल है, इसका मतलब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। बाय स्टूडेंट्स।